हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। भी मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है और आज मैं मंदिर भी जाकर आ गई। आज मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग करी है लेट और आज है शुगर की मीटिंग, क्योंकि शुगर से कुछ लोग आ रहे हैं तो अभी मीटिंग है। दो तीन दिन से मीटिंग्स ही चल रही है अलग अलग ब्रांड्स की और मैं काफी इस वजह से बिजी हो गई हूँ। कल थी मिशेल की, इससे पहले थी लेक की और इससे पहले ओरिगामी की, यानी बैक टू बैक चल ही रही है। और आप यानी ब्रांड्स अब नई नई आने वाली हैं, शॉप करो पर आ भी गई हैं और आने वाली हैं। और यानी कल और एक ब्रांड से बात हुई और अब कुछ दिनों में एक और ब्रांड और नई आने वाली है, तो उसके भी प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, तो वो जैसे ही आते हैं मैं आपको बताऊंगी। और आज है जैसे कि शुगर की मीटिंग, तो मैं जल्दी से चली जाती हूँ शॉप पर और खाना वगैरह सब पका देती हूँ अभी, क्योंकि मुझे जल्दी जाना है शॉप पर। अभी 10:30 तो हो गई है तो मुझे लगभग आधे घंटे में खाना बनाना है, तो मैं फटाफट खाना बना कर ही मिलती हूँ। और चिकू भी आज डाइट में है, वेज दलिया, तो दलिया बना देती हूँ जल्दी से। मेरा खाना एक बार नहीं भी बना तो भी चलेगा, पर चिकू का एक बार बना देती हूँ। और क्या बात करनी थी मुझे आपसे। और मेरा बर्थडे आने वाला है 2 दिन के बाद, जब 24 सितंबर को, आप याद रखो ना, बस मुझे विश करना इंस्टाग्राम पर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अभी आ गई हूँ शॉप पर और सबसे मैं, यानी पहली बार ऐसा हुआ है कि मीटिंग के लिए लोग नहीं आए और मैं पहले आ गई हूँ। मेरे यहाँ पर ऐसा होता है, मैं बाद में आती हूँ और मीटिंग के लिए लोग पहले आ जाते हैं। तो अभी आ रहे हैं शुगर से कुछ लोग और अभी है मीटिंग, और क्या क्या प्रोडक्ट्स न्यू लॉन्च हुए हैं उनके बारे में कम्प्लीट, यानी अपन को मिलेगी जानकारी और उसी जानकारी को हम आपके साथ भी शेयर करेंगे, जो न्यू प्रोडक्ट आने वाला है और कुछ नया और भी आने वाला है। आई थी शॉप पर और शुगर की जैसे की थी मीटिंग, और जैसे ही मीटिंग से हुई फ्री वैसे आ गए कस्टमर और बैक टू बैक में बिजी थी, कुछ भी खाना वगैरह ही खाना बाकी है। तो अभी बाजार में, घर पे 2:30 बज गए, ये खाना अभी खाऊंगी रेची को आगे लेने। खाना वगैरह खा लिया है, अभी बज रही है 2:30, हाँ नहीं 2:30 भी नहीं, 3 बजने वाली है। तो खाना वगैरह खा लिया, अब वापस से चलते हैं शॉप पर, क्योंकि कस्टमर है वो मेरा वेट कर रही है। कुछ काम है जो मैं ही कर सकती हूँ और कस्टमर को भी मेरे साथ करवाने होते हैं, तो इसलिए तो अब मैं जा रही हूँ शॉप पर, शॉप पर जाके मिलती हूँ। छगन आए दोनों मिलने के लिए। मुकेश बोल रहा हूँ, फोन क्या कर रहे बोल सकता है, और बाकी कैसे कहाँ से जाके आ रहे मास्क क्या? मेरे को सरप्राइज पार्टी दो, मेरे को गिफ्ट भी देना और गिफ्ट महंगे देना और अच्छे अच्छे कपड़े भी लेके आना। गिफ्ट के लिए आपको इतने महंगे और क्या? चीजू सस्ते में चाहिए ये तो। आपसे और क्या हो सकता है? गिफ्ट आना ही चाहिए मेरे पास, नहीं तो मैं किसी से बात कर लूंगी। अगर 12 बजे से पहले मेरे पास गिफ्ट नहीं होगा, मैं किसी के भी फोन नहीं उठाऊंगी और मैं बाथरूम में जाके छुप जाऊंगी, तब को भी नहीं देखूंगी। फोन लेके जाना पड़ा, मैं पहले विश करने नहीं दूंगा। अब भी बता दे, फिर हमने ये बोला दोनों जनों ने, आज यश ने विश क्यों नहीं किया? जा फास्ट जा, दूसरे दिन बोला था तूने जिया जी को विश क्यों नहीं किया 12 बजे, क्योंकि हम दोनों वेट कर रहे थे, क्योंकि जिया जी को मैं फर्स्ट विश करते फिर तू करता है, बदल गया है बंदा। हां चल मैं अंदर जा रही हूँ, ठीक है बाय, ध्यान से आज तो जैसे से मिलने में भी शर्म आ रही है, क्योंकि आज मैंने पूरे दिन में कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप बिजी थी और अभी कुछ कर रही थी मैं मेरा काम, और 7 बज गई हैं, घर जाना है,
ज्योति तो चली गई है, मुझे सलून में कुछ काम था इसलिए काम कर रही थी, और अभी जाऊंगी घर पर, सिर्फ आना जाना ही बता रही हूँ। पर आज मैं दिन में इतनी ज़्यादा बिजी थी, मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, और आज सिर्फ वहाँ पर शुगर की मीटिंग इसलिए उसमें भी सुबह सुबह लगी हुई थी। अब घर जाऊंगी, अब क्या बनाऊंगी वो बताऊंगी आपको, और क्या कह दूँ मैं। घर पर आई हूँ, 3-4 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, समेटने हैं, खाना वगैरह बना देती हूँ, फिर कपड़े समेटूँगी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी इसलिए। तो अभी बना देते हैं खाना, खाने में क्या बनाते हैं चलिए देखते हैं। आज खाने में हो गए हैं लेट, तो आज बनाएंगे खिचड़ी और चरखी पूड़ी, तो चलिए बना देते हैं। अभी मैं आपको बता रही हूँ, जो हम ये मसाला इकट्ठा करते हैं उसके अंदर यानी कि लम्स रहते हैं, तो ये अब आटे में बांधूंगी तो गांठ गठारा लगेगा, इसलिए मैंने इसको भिगा दिया है, और अब इसको मैं अच्छे से हाथों से मसल रही हूँ। और ये कसूरी मेथी डाल दी है मैंने इसके अंदर, ये गया मसाला। इसको गुजराती में थेपले भी बोलते हैं, हम चरखी पूड़ी बोलते हैं। अभी इस सबको कर दूंगी मैं पानी डालने से पहले अच्छे से मिक्स। खिचड़ी बनाने की अब तैयारी है, ये खिचड़ी के सारे इंग्रेडिएंट्स, खिचड़ी में पड़ने वाला मसाला भी सारा तैयार करके रखा है। ये खिचड़ी में यूज़ करने वाला हथियार, क्योंकि अगर हम चम्मच वगैरह यूज़ करते हैं उससे खिचड़ी के चावल टूट जाते हैं, इसलिए इससे टूटते नहीं है। ये मैं एक हाथ से डाल रही थी इसलिए इतने इंस्टॉलमेंट पे गया है, जब तक ये पकता है थोड़ा बहुत प्याज वगैरह हल्की सी पिंक होती है तब तक मैं इधर पराठे बनाने की तैयारी कर देती हूँ, पूड़ी बनाने की। ये चावल भिगे हुए, ये आटा गूंथा हुआ, ये सूखे आटे का डब्बा, और ये मैं तैयारी हो गई है। अब थोड़ी सी देर के बाद ये जो भी है वो पक जाएगा, इधर पराठे बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। ये खिचड़ी का मसाला देखा दो पास में से, और आ जाएगा। अब इसके अंदर थोड़ा पानी डाल देते हैं, अभी बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। खाना बन चुका है, और खाने में मैंने बताया जैसे खिचड़ी और बने हैं थेपले, चरखी पूड़ी। आज क्विक वाला खाना बनाया था, पर ये क्विक नहीं है, पर अच्छा लगता है कभी कभी सिंपल ये इस टाइप का खाना खाने के लिए, तो खाना वगैरह खा लेती हूँ। अभी हम बना रहे हैं हेली दीदी के 2 चोटियाँ, वो भी अलग टाइप की थोड़ी, तो बताते हैं आपको किस टाइप की बना रहे हैं। भाभी बना सकती है। सेंटर पार्टिंग कर रहे हैं सबसे पहले, तो सेंटर पार्टिंग हो चुकी है, अब बनाएंगे साइड से चोटी। ये हमने थोड़े से बाल आगे से उठा लिए हैं, अब इसको हम गूंथना चालू कर रहे हैं, और फिर ये यहां से बाल लिए, और फिर यहां से बाल लिए,
चोटी बन चुकी है हेली दीदी की, आपको कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है भाभी से, आप भी बनवा सकते हो पार्लर में। अच्छी लग रही है, ऊपर से भी मस्त लग रही है, और तू भी बहुत क्यूट क्यूट लग रही है। क्यूट क्यूट टैनिंग हो गई, हट जाएगी वो। तो चोटी वगैरह बन चुकी है और अब कर देती हूँ मैं यहाँ पर ब्लॉग का एंड। अगर आज का ब्लॉग अच्छा हो लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्या करेंगे आपको पता ही, हर ब्लॉग में भाभी बोलती है, सो बोलना नहीं। हाँ, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे ब्लॉग में। ओके, बाय।